दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते। वो किसी एनर्जेटिक पोर्टल के जरिए ट्रैवल कर रहे थे। अजीब तरह चीजों का गायब हो जाना। अगर कोई अचानक कहीं से एकदम गायब ही हो जाता है तो ऐसा लगता है वहां कुछ तो चल रहा है। और एक गुफा जिसे नरक का द्वार कहा जाता है। आज भी कोई बर्ड्स इसके पास से जाती हैं तो गिरकर मर जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड की दूसरी जगहों पर ले जाने वाले पोर्टल्स वाकई पृथ्वी पर मौजूद हैं? और क्या स्टारगेट्स कहलाने वाले इन दरवाजों के जरिए दूसरी दुनिया के लोगों से एक संबंध बनाया जा सकता है? ये हो सकता है कि हमें इन एंशिएंट गॉड्स ने बनाया हो जो स्टारगेट्स के जरिए यहाँ आए थे, और उनका इरादा रहा हो कि हम भी एक दिन सितारों में उनके साथ शामिल हो जाएं, और शायद वो दिन आ चुका है। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई प्राचीन काल में दूसरी दुनिया के लोगों ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या वो स्टारगेट्स के जरिए यहां आए थे? Aliens and Stargates। पामुकाले, टर्की। यहां इस्तांबुल से करीब 320 किलोमीटर दक्षिण में हियरापोलिस के खंडहर है, एक प्राचीन शहर जो तीसरी सदी ईसा पूर्वी में फ्रिजियंस के लिए एक पवित्र स्थान हुआ करता था। मार्च 2013 में इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्हें ऐसी चीज मिली है जिसे प्राचीन ग्रीक के लोगों ने नरक का द्वार बताया है। ग्रीस और रोमन लोगों के पूर्वजों में दूसरी दुनिया यानी हेडीज और प्लूटो की दुनिया को लेकर एक फैसिनेशन था। कई ऐसे लोगों की कहानियां थी जो इन अनदेखी दुनियाओं में जा सकते थे। मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो उनके हीरोइज्म को दिखाता था। ग्रीक जियोग्राफर स्ट्राबो के हिसाब से ये गुफा, जिसका कुछ हिस्सा अब ईंटों का बना है, इसे प्लूटोनियन कहा जाता था, यानी दूसरी दुनिया के देवता प्लूटो का गेट। इसे इतना पवित्र माना जाता था कि केवल पंथ के पुजारियों को ही इसके पास जाने की इजाजत थी। ये पुजारी सिबली नाम के एक शक्तिशाली देवता की पूजा करते थे। सिबेले की शुरुआत एक देवी की तरह हुई थी जो एशिया माइनर में बहुत मायने रखती थी, और उसके बाद वो वेस्ट में ग्रीस और रोम में फैल गईं। उन्हें गेटवेज का पहरेदार कहा जाता है। टाइम और स्पेस में जाने के लिए सिबेले की परमिशन लेनी पड़ती है। निशानी के तौर पर उन्हें अक्सर दूसरी दुनिया के गेट पर खड़े हुए दिखाया जाता है। मुझे लगता है देवताओं की दुनिया ने हमेशा इंसानों को फैसिनेट किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि देवताओं की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। इसीलिए इंसानों ने हमेशा उनकी दुनिया में घुसने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढा है, उस खुशी को पाने के लिए जो इंसान को एक देवता से बात करके मिलती है। दुनिया भर की कहानियों में प्लूटोस गेट जैसे पवित्र दरवाजों का बखान मिलता है जो देवताओं की दुनिया में जाकर खुलते हैं। कई मामलों में इन दरवाजों ने सिर्फ पृथ्वी की सीमाओं के बाहर ही नहीं, बल्कि टाइम और स्पेस के भी पार निकल जाने का रास्ता दिया है। और कुछ कहानियों के हिसाब से दूसरी दुनिया के प्राणी उन दरवाजों का पता लगाकर उनके पार गए थे। पुराने जमाने से ही हमें एडवांस्ड लोगों की कहानियां सुनाई गई हैं जो तारों की दुनिया से आते हैं, और उनमें से कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बताया गया है कि वो उन पोर्टल्स या स्टार डोर्स को पार करके आए हैं जिन्हें आज हम स्टारगेट कहते हैं। स्टारगेट एक ऐसी जगह होती है जिससे किसी दूसरे प्लैनेट पर या कई तारों की दुनिया में जाया जा सकता है। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां ऐसा लगता है जैसे पूर्वजों ने वो स्टारगेट्स बनाए थे।
क्या ऐसे रास्ते या स्टारगेट्स सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना की उपज हैं? या हो सकता है इस तरह तारों की दुनिया में आना जाना वाकई प्राचीन दुनिया में होता है? अगर ऐसा है तो वो कौन है या क्या है जिसने हजारों साल पहले ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बनाई? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स का मानना है कि टर्किश प्लूटोनियन में हुए बड़े बड़े रिचुअल्स के विवरण में और भी ज्यादा सुराग मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाशा था जब सिबली के प्रीस्ट्स वहां बलि देते थे। वो एक बैल को गुफा में घुसा देते थे और वो बैल इस गुफा में गैसेस से मर जाता था और लोग इकट्ठे होकर ये सब कुछ देखते थे। उसके बाद प्रीस्ट्स उस मरे हुए जानवर को बाहर लाते थे और सब लोग ये देखते थे कि प्रीस्ट्स जिंदा हैं, जिससे उन्हें लगता था कि प्रीस्ट्स में कोई बहुत बड़ी शक्ति या दिव्य स्रोत से उनका सीधा कनेक्शन है, जिससे वो उस रिचुअल से खुद को बचा सकते हैं। उसके बाद ये साबित हो जाता था कि वो नरक का दरवाजा है और सारे लोग डर जाते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसे रिचुअल्स होते थे और सिबेले को गेटवे का पहरेदार कहा जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि पूर्वज इस टाइम ट्रेवल और पोर्टल्स के आइडिया को लेकर कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। खुदाई से ये पता चला कि उस जगह से निकलने वाली भाप में इतने जहरीले स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती थी जो किसी की भी सांसों में चली जाए तो वो मर सकता था। एंशियंट स्टोरी में बताया गया है कि जो भी जानवर इसके आसपास आता वो गिरकर मर जाता था। आज भी वही होता है, कोई भी बर्ड्स इसके आसपास आती हैं तो वो गिरकर मर जाती हैं। अगर गुफा के अंदर इतनी दमदार जहरीली गैसेस थीं कि एक बैल को मार दे तो पुजारी इस रिचुअल में कैसे बच जाते थे? क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते थे कि पुजारियों को गुप्त ज्ञान मिला हुआ था और शायद दूसरी दुनिया की सिबली से उन्हें स्टारगेट के अंदर जाने की इजाजत भी मिली हुई थी? पामुकाले टर्की में इसे देखकर लगता है कि ये शायद उस स्टारगेट टेक्नोलॉजी का एक बचा हुआ रिकॉर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ये स्पेशल प्रीस्ट इस एरिया में जा सकते थे, वो शायद किसी एनर्जेटिक पोर्टल से गुजर रहे थे जिसने उन्हें इस लायक बना दिया कि वो किसी दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं जो कि उस जगह से बिल्कुल अलग थी जहां लोग नॉर्मली उस एरिया में जाने के बाद पहुंचते थे। आप सोचते होंगे कि कहीं इस गुफा में कोई राज तो नहीं था जिसे वो लोग छुपा रहे थे, शायद कोई इंटरडाइमेंशनल स्टारगेट टेक्नोलॉजी, और बेसिकली लोगों को डराने के लिए वो ये शो करते थे जिससे लोगों को लगे कि ये गुफा एक ऐसी जगह है जहां नहीं जाना चाहिए और असल में वहां एलियन टेक्नोलॉजी और शायद स्टार गेट्स को लेकर कोई खजाना रहा हो। क्या प्लूटोनियन वाकई किसी दूसरी दुनिया का एक स्टार गेट हो सकता है जिसे पुजारियों ने बचाकर रखा था जिससे दूसरे लोग उस तक ना पहुंच पाए? और अगर ऐसा है तो क्यों? इसका जवाब शायद दूसरी प्राचीन जगह पर मिल जाए जो यहां से करीब 11 से 12 हजार किलोमीटर दूर है।